हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वनिता झा आप सभी को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ अपने किचन में फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोग से बातचीत करने। अभी मैं बना रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं ओह माय गॉड, सवेरे से मैं बिजी थी। तो मैं अभी बना रही हूँ मसूर दाल। मैं सोच रही थी रोटी या भुजिया बना लूँ, लेकिन बाबू का ऑर्डर आया। नहीं, मैं आज 15 दिन से मैं रोटी खा रहा हूँ, अभी मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं खाना है मत खाओ। इसी दाल में आलू दे देती हूँ और चावल बना लेती हूँ, है कि नहीं? तो आप लोग बने रहे, दाल भात DBC बना रहे हैं, DBC दाल भात चोखा, सब फॉर्म में आप लोग समझ जाइए। आप लोग ठीक होंगे, आई होप सब लोग अच्छे होंगे माता रानी की दुआ से। मैं तो ठीक हूँ, बस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कोई काम नहीं हो पा रही है मेरी। मतलब सच पूछिए, मतलब मेरे पास अगर पैसा होता, मेरे हाथ में सब कुछ, मैं ठंडा के टाइम में बिहार में क्या, जहाँ जहाँ ठंडा पड़ता है वहाँ मैं कभी नहीं जाती। जहाँ पे गर्मी है ठीक है, पंखा से काम चलेगा, ठंड में मैं नहीं रहती यार, बहुत ठंड लगती है मुझको, सबको लगती है, ऐसा नहीं है। मैं अपना बता रही हूँ ओपिनियन। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। अभी मैं दाल भात चोखा का तैयारी कर रही हूँ, जाऊँगी छत पे, काम सब है, काम को आगे बढ़ा रही। इधर हो रही मेरी गर्म पानी बाबू को नहाने के लिए, क्योंकि वो नहा नहीं रहा है, इसमें चढ़ा दिए हैं। तो आ रही हूँ मैं काम करके। इसी में ये 3 आलू दे देती हूँ दाल में, ठीक है। 1 तेज़पत्ता दे देती हूँ। तेज़पत्ता का हींग का मसूर के दाल में अलग सा टेस्ट आता है। मैं तो हींग बहुत खाती हूँ, ऐसा नहीं है, सिंपल ज़्यादा हमको पसंद है। ताम छाम कभी कभी खाती हूँ, क्योंकि ठंड में ना गैस बहुत बनने लगे, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है हमको भी, लगभग सबको होती है ठंड में ज़्यादा, पता नहीं क्यों होती है, ये तो हमको नहीं पता। 2 तेज़पत्ता रख देती हूँ उसमें। हींग नहीं डालूंगी मैं, प्याज का तड़का लगा दूंगी इसमें, ठीक है। तो आज हींग नहीं डालूंगी, आज तो प्याज लहसुन सब कुछ खाऊंगी मैं दो रोज। तो बने रहे मेरे साथ। दादी माँ क्या कहेगा, छोटू के घर जाए छे, ये छोटू नहीं छे, क्यों ले अगर हमारा पोता के दिए राज। हमारे इंडिया में ना कोई चीज़ मतलब मिसयूज नहीं होता है, है ना। तो ये ब्रश करके छोड़ देता है जब, ये इसका रिटायरमेंट आ जाता है, हम लोग इसको रिटायर करते हैं, बस हम हाउस वाइफ इसको रिटायर कर। अरे बाबा, अरे हाँ बाबा, कितना सीटी लगने लगा। इससे मैं करूँगी अपने कंघी को साफ, कोम्ब को, ठीक है ना। हो गया है तो काहे सीटी मार रहा है, चावल हो गया, दाल भात चोखा जो बन रहा है बेटू, इससे इसकी सफाई चल रही है। मैं दिखाती हूँ, सारे गंदे हो जाते हैं 1 से 2 दिन में, इसको इससे सफाई कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। ये रही मेरी साबुन और ये रहा मेरा, आप लोग भी करते होंगे, ये रही मेरे बाबू की फोन, फिर कवड़ भी है, बाल धो लेती हूँ, ये जो गंदा रहता है तो उससे मेरा बाल भी गंदा हो जाता है। इतना डस्ट हर 2 दिन पे ये भी गंदा होता है, हर 2 दिन पे ये भी गंदा होता है, देख रहे हैं इसको इतना सर, इसको भी नहाया है 7 दिन पे। मम्मी हमेशा झूठ बोलती है, 7 दिन पे नहीं 6 दिन पे नहाए हैं, 1 दिन कम है, पढ़ाई लिखाई करिए थोड़ा। जाओ जाओ देखिए मैं इसको क्या क्या सफाई करती हूँ, देख रहे हैं आप लोग कितना इसमें कचरा जमा है, देख रहे हैं इसका हाल, देख सकते हैं पीछे से, एक तरफ हो गया, एक तरफ करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इसको साबुन लेके पूरे ऐसे ऐसे करके साफ करके जितना भी है अभी इतना सारा करते हैं तो बने रहे मेरे साथ। ये सारा कंघी मैंने धो के रख लिया है, दिखा दूँ आप लोग को, इतनी सफाई हुई है इसकी, देख सकते हैं हुई ना सफाई, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। तो आज मैंने अपनी की है, बाबू का किया है और सब है, तो कल कर लूँगी। देख सकते हैं कितनी साफ सफाई होगी इसकी, है ना प्यारी सी। तो ये होती है हमारे यहाँ ना, कोई भी चीज़ मिसयूज नहीं होता, सबका यूज होता है। और इसके बाद हेयर कलर में, हेयर कलर मेरी मौसी जी का होता है तो उसके लिए भी ब्रश है, तो वो भी है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ सूखने के लिए, पानी इसका निकल जाएगा धीरे धीरे करके। तो मैं जा रही हूँ अब बाबू के लिए पापड़ तलने के लिए,
फिर हो जाएगी तो दे दूंगी खाना, ठीक है। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू मटर, ये कुम्हरौड़ी आलू की सब्जी। पहले मैं इसको रेड करके फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं इसको बस हो गया ये 2 मिनट की थी, मैंने इसमें पापड़ तला था ना तो सवेरे दिन में फ्राई की थी तो उसका तेल इतना सारा, मैं इतना तेल यूज नहीं करती हूँ। ये मेरी रही लहसुन प्याज किसके, क्योंकि इसमें मैं मटर भी डालूंगी। लहसुन भुटी तो नहीं हो गई है ना, एकदम से मन खराब सा हो गया है मेरा। मैं सवेरे से सोच रही थी क्या बनाओ तो सोच रही थी मैं चावल की रोटी, चावल वाली मोटा सा रोटी बना लूँ, नमक तेल खा लूँ, क्योंकि मेरी दीदी भेज दी मेरे लिए आटा। कितने दिन से बोल रही थी दीदी को, तो मैं प्याज लहसुन डाल के बनाऊँगी। और कुकर में चावल दे देती हूँ क्योंकि बाबू सो जाएगा, ये भी इनको भी भूख लगी हुई है, ये दिन में भी नहीं खाए हैं क्योंकि लंच लेके नहीं गए, रात में खाई थी तो ना ये था, पेट भरा भरा सा था इनका। अब भी बोल रहा जल्दी करिए। थोड़ी सी मैं यहाँ जीरा डाल देती हूँ, 2 सूखी मिर्ची, 2 तेज पत्ता, हींग नहीं डालनी है क्योंकि मैं प्याज वाली बना रही हूँ तो हींग कोई आवश्यक नहीं है। हेलो, ये रही मेरी प्याज लहसुन कटी हुई, तो मैं इसमें दे देती हूँ। तेल थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है शायद इनको लगता है, लेकिन नहीं होगी, नहीं ठीक है। तो मैं इसमें अब आलू डाल दूँगी, इसके साथ आलू भी फ्राई हो जाएगी, फिर मैं मटर लास्ट में डालूँगी। वो मैं फ्राई करके रखी थी उसको, बने रहे मेरे साथ, तब तक मैं इधर चावल धो के दे देती हूँ, है ना। एक काम करने जाती हूँ तो 80 काम लग जाता है मेरा। चावल गिर गया हाथ से, ड्रम से निकाल रही थी, यहाँ पे चावल मैंने गिरा दिया है, वो काम प्रेशर बढ़ गया कि उसको उठाओ। यहाँ मैंने टमाटर आलू मटर मैंने सारा को दे दिया है, भूनने के लिए रख दिया है। और ये जो है मेरा कुम्हरौड़ी, ये मैं लास्ट में डालूँगी। तो इधर चावल मैंने रख दिया है, मेरे लिए दिन का चावल बचा हुआ है। ये चावल बोले हैं तो ये बोले हम नहीं खाएंगे दिन वाला, तो सर्दी भी हो रही है मेरी, पूरे टॉन्सिल बढ़ गया है, तो उसको भी गर्म करने में भात को फ्राइड कर लूँगी, फ्राइड राइस बना लूँगी। मैं लेके आती हूँ कुछ कपड़ा से, इसको उठा रही हूँ, चावल को गिरा हुआ है इसको। मैं ऐसे बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ, बहुत सा कुम्हरौड़ी जो है पूरे फूल सा जाता है, लेकिन अभी इसमें बना लेती फटाफट, ठीक है। ये रही मेरी सब्जी हो गई है रेडी, देखते हैं आप लोग, ये मेरी सब्जी हो गई रेडी। मैं चली गई थी ऊपर, छत पे सारा कुछ काम पड़ा हुआ था, लाइट बिजली ये सब, छत को देख भी नहीं पाई खुला है क्या है। तो ये रही मेरी सब्जी हो गई रेडी, हो गई है बन के, अब ये खाएंगे, ठीक है। आपको पता है अभी मैं खाना खा के मैं खाती रहती हूँ, अभी पापा नहीं है तो टीवी भी देखती रहती हूँ, और ऊपर से कल संडे है तो अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ अभी, जो कि चल ही रही है मेरे, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं नहीं जाती सोने। यहाँ तो अभी जानते हैं ब्लॉग बनाने कौन आया था, रूम है ही अभी भारती सिंह और हर्ष, उनका जो हर्ष हस्बैंड है, दोनों साइड से मैंने उसको कैमरा पकड़ने का तरीका देखा। मैं तो फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ अपना ब्लॉगिंग करती हूँ, जो कि मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने एक चीज़ सीखा कि वो बैक कैमरा से बनाते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे पीछे आगे अजीब से बना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मुझे कोल्ड हो रखी, आवाज़ भी भारी भारी हो रही है, वैसे भी मैं भोंतन हूँ, मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ यार, बट अभी तो और मर्दों की तरह मेरी आवाज़ हो गई, बुरा नहीं मानना है, मतलब औरत का स्वीट होता है थोड़ा, जेंट्स का थोड़ा हैवी वॉइस होता है, तो मैं इस बे में बोला, नेगेटिव मत लेना कि वही। तो मेरी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, पता नहीं क्यों, जो कि मैं गर्म पानी भी पी रही हूँ कंटिन्यू, ये सब है मेरा। तो अब जा रही हूँ मैं भगवान जी को सुला के प्रणाम करके, खुद भी सोने
अब ये इंड ही होने वाला है, तब तक मैं देख लूँगी फिर जाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी। मैं जा रही प्रणाम करने, जय माता दी।